नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। 6 दिसंबर 1992 जिस दिन कार सेवकों ने विवादित बाबरी ढांचे को गिराया था। ढांचा गिरने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बैठे एक शख्स को कॉल किया था। शख्स कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के नेता विनय कटियार थे। क्या बात हुई होगी दोनों में, आइए जानते हैं आखिर क्यों पीएम ने कॉल किया विनय कटियार को। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सुबह का वक्त था, डर का माहौल पहले से बना हुआ था, हर किसी को कुछ भी होने का डर सता रहा था। विनय कटियार के घर फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। विनय कटियार कुछ बोलते उससे पहले ही नरसिम्हा राव कहते हैं, किसी गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है, सब नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री ने चिंता जताई कि कुछ कार सेवकों के उग्र होने की रिपोर्ट उनके पास आई है। विनय कटियार ने उन्हें भरोसा दिलाया सब काबू में है, मंच विवादित ढांचे से कोई 300 मीटर की दूरी पर बना है, कार सेवकों का जमावड़ा वहीं रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कार सेवक विवादित इमारत तक पहुंचे ही नहीं, ढांचे से दूर चबूतरे पर ही प्रतीकात्मक कार सेवा कर लोग अपने घर लौट जाएं। ये विनय कटियार का प्रधानमंत्री को भरोसा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी सबको पता है। इन सब से पहले भी बहुत कुछ हुआ था जो शायद ही किसी को पता हो। विवादित बाबरी ढांचा गिरने से पहले विनय कटियार के घर आडवाणी, जोशी और अशोक सिंघल नाश्ते पर कार सेवा को लेकर योजना बना रहे थे। यहीं से तीनों राम कथा कुंज पहुंचे। वहां करीब 1,00,000 लोग पहले ही सार्वजनिक सभा के लिए आ चुके थे। 30,000 तो रामकथा कुंज में लगे तंबुओं में ही रहते थे। ज्यादातर नेताओं के भाषण की लाइन प्रतीकात्मक कार सेवा की ही थी। हालांकि सबके भाषणों में एक आक्रोश दिख रहा था और इस आक्रोश का प्रतीक विवादित ढांचा ही था। भाषण देने वाले नेता ढांचे की ओर उंगली दिखाकर उसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जब भाषण दे रहे थे तभी शेषावतार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव कर दिया। पुलिस भी कुछ समझ न पाई और करीब 200 लोग चबूतरे का घेरा तोड़ते हुए राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल हो गए। ये सब होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। शेषावतार मंदिर की ओर से कुछ लोग ढांचे पर पत्थर फेंकने लगे। ढांचे के पीछे की तरफ से भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। भगदड़ के बीच करीब 1,000 लोग परिसर में घुस गए। कुछ ही देर में पूरी व्यवस्था फेल दिखने लगी। गुंबद पर करीब 200 कार सेवक थे तो ढांचे के अंदर 25,000 कार सेवक, जो लाखों कार सेवक भाषण सुन रहे थे उनका रुख भी परिसर की तरफ हो गया और सभी परिसर के आसपास गोलबंद होने लगे। इधर ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ आडवाणी लगातार कार सेवकों से मंच की तरफ लौट आने की अपील कर रहे थे। कुछ समय बाद पूरा परिसर कार सेवकों के हवाले हो गया। विनय कटियार और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़ा ये किस्सा युद्ध में अयोध्या किताब से लिया गया है, जिसे हेमंत शर्मा ने लिखा है। हेमंत शर्मा TV9 नेटवर्क के न्यूज़ डायरेक्टर हैं। अपनी इस वीडियो सीरीज में हम हेमंत शर्मा से की 3 किताबों युद्ध में अयोध्या, अयोध्या का चश्मदीद और राम फिर लौटे से रोचक किस्से आप तक लाते रहेंगे।